और पानी बरसात में भर जाता है तो वो अपने डीजल सेट से पानी को निकालता है पर घंटे भर में वापस भर जाता है। उसकी गलती ये है कि बिल्कुल वहाँ उसके दीवार के पास ही छोड़ रहा है और वहाँ जितनी मिट्टी है वो पानी वापस छोड़ देती है। उसको जब हमने कहा तो बोले कि सर मेरे पास तो ये रास्ता है और ऐसा है। तो आए दिन बच्चे अभी स्कूल खुल गए बच्चे स्कूल वहाँ से निकलते हैं शमशान की बोरी जो है वो लेके जाते हैं वहाँ से नए घर वाले और गुलापाड़ी वाले तो बेचारे पानी में बहुत कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि अभी मेरा नाम विकास होए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आदिभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आदिभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल्याणीपुरा स्थित रेलवे फाटक के पास अंडरब्रिज बनी रेलवे की जिसमें पानी 24 घंटे भरे रहता है और उसको बार बार में ट्रैक्टर वाला अपने पंप सेट से खाली करता है लेकिन फिर भर जाता है। उससे हमें बड़ी दुविधा हो रही है। एक तो अभी स्कूलें भी खुल गई है बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है कि सारे बच्चे पैंट हो तो क्योंकि 4-4 फुट पानी भरा रहता है पैंट उतार के कपड़े उतार के उनको जाना पड़ा। अगर न्यू उतारते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं वापस स्कूल से आना मतलब घर रास्ते से आना पड़ता। रास्ते में कई बार महिलाएँ जो वहाँ से निकलती है वो गिर जाती है दुर्घटना हो गई। शमशान बॉडी जब लेके जाते हैं वहाँ से तो उनको बड़ी दुविधा होती है। तो हमारा कल्याणपुरा विकास समिति का डेलीगेशन शिष्टमंडल आया है कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा और डीएफसी अधिकारियों से बात करके ये पानी की निकासी का जो है भराव हो रहा है उसकी निकासी का परमानेंट इलाज करवाते हैं। और एक रोड है जो रेलवे पुलिया से नहर के कुएं तक खराब है उसका भी उन्होंने बनवाने का आश्वासन दिया है बरसात बाद में। आपका